हेलो एवरीवन, ये लो मोबाइल ले लो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है तो बता दियो जरा जल्दी से फटाफट। बोलो। हाँ हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, क्या बात है मानव सिंह, चमक रहे हो। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में चमकें ऐसी। ये चमक तो आर्टिफिशियल चमक है दोस्त। हाँ इसका क्या है, नहा लो चमक जाओगे, नहीं नहाओगे नहीं चमको। लेकिन इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल जो शाइनिंग है वो आनी चाहिए इंसान में। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और हमेशा वैसे ही चमकते रहेंगे जैसी आप चमक चाहते हैं। हाँ भाई, फटाफट इसको शेयर वेयर कर दो जो करना है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ तो लोगों को यहाँ क्लास लेने में दिक्कत होती है। हाँ हाँ चलो जी चलो। जापान के पीएम ने रिज़ाइन दे दिया। हाँ यार, उनकी हेल्थ का कुछ मसला है। आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है बेटा, लेकिन लिमिट भर। बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरी सुंदरता देखने आए हो क्या? हैं, गजब प्रेमी हो रहे हो, हैं। चलो बहुत बढ़िया। हेमराज जी नमस्कार नमस्कार, सभी लोगों को वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जो जल्दी जल्दी से आ जाओ, फिर मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ, कल का लेक्चर किसने किसने नहीं देखा? जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, जिसमें मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मेरे को सोचने दो, मैंने आपको पढ़ाया था पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के बीच का जो थोड़ा सा रिलेशन, उनके रिफ्ट पैदा हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, है कि नहीं है? तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा था, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। उम्मीद मेरी यही है आपसे, ठीक है? तो वहाँ पर अगर वो कंटेंट मिलता है तो आपको ये बेनिफिट ही देगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जस्ट ट्राई कि वो वाला लेक्चर देख लीजिए, एक घंटे का लेक्चर है। चाहे आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, पेपर टू में भी मिल सकता है मदद उससे, और CDS के SSB में तो खासकर मदद मिलने वाली है, और पेपर वन में भी खूब सारी मदद मिलेगी। तो बहुत सारे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत सारा फैक्चुअल डेटा भी था, तो उसको ज़रूर देख लेना, उस वाले लेक्चर को। इससे पहले ही पढ़ा हुआ है, ज़्यादा क्लासेस मैं यूट्यूब पे लेता नहीं हूँ, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि क्लासेस रहें मेरी। हाँ चलो ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आप सभी लोग आ चुके हो, शेयर वेयर कर देना, ग्रुप ग्रुप में बोल दो कि आ जाएं फटाफट सारे लोग। तो बेटा ये CDS का बैच शुरू हो रहा है, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, एक मिनट तो दे ही सकते हो। तो एक बैच शुरू हो रहा है 60 डेज का, 60 दिन का एक बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे इसके अंदर। 31 अगस्त से शुरू है, 31 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 दिनों के बाद ही। तो जिन बालक एवं बालिकाओं को ये कोर्स खरीदना है तो प्लीज़ परचेज द कोर्स, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। नवंबर में आपका एग्जाम ही है, तो आपके पास कितने महीने बचे हैं? सितंबर और अक्टूबर, 2 ही महीने बचे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो आप कोशिश करिए कि कोर्स को खरीद लिया जाए। दीज आर द टॉप फैकल्टीज़ जो आपको इसमें पढ़ाएंगे, इसमें कहीं मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पर दिख रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो इकोनॉमिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी की फैकल्टीज़ आपको ये सारा हिस्ट्री विशाल सर पढ़ाएंगे, पॉलिटिक दिव्या मैम पढ़ाएंगे, इंग्लिश सिद्धांत सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी श्री पाठक सर पढ़ाते हैं, और साइंस पढ़ाएंगे सूर्य प्रताप सर, हिंदू एनालिसिस करंट अफेयर है जो शाब्दा रानी मैम करेंगी, और इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, और मैथ्स आपको पढ़ाएंगे कुमार अभिषेक सर। तो दीज आर द फैकल्टीज़ जो आपको 60 डेज के अंदर कॉम्पैक्ट प्रिपरेशन का एक रोड मैप प्रोवाइड करके देंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, खासकर आपके लिए। इसके अलावा एक बैच और शुरू हो रहा है दोस्त, और उस बैच से भी आपको, अगर जिन शुरू हो चुका है अभी, हुआ होना के बाद क्या है, 24 अगस्त यानी 24 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपने ये बैच अभी CAPF की अभी तैयारी के बारे में देखो, नहीं फ्री में पढ़ना है तो मुफ्त वाला भी सिस्टम है ही अपने पास, पता ही है ना आपको, अनअकैडमी और यूट्यूब चैनल पर देखो, नहीं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस देखो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि लाइफ में एजुकेशन, खासकर इंडिया के अंदर एजुकेशन से ज़्यादा सस्ता कुछ है नहीं। तो भैया एजुकेशन से ज़्यादा सब सस्ता है नहीं, तो थोड़ा बहुत थोड़ी फीस है, इतनी फीस तो है ही नहीं यार। 24 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें 4-5 क्लासेस हुई, इनके रिकॉर्डिंग सेशंस देख के आप अपने बैच को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? याद रखना,
और यहाँ पर जो आपको कोर्स प्लान के अंदर देखने को मिल रहा है कि कौन से एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, तो ये सारे एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स हैं, यहाँ आपको गाइड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ अपना रेफरल कोड, जो कि ज़रूरी है, तुमको बता रहे हैं तुम सारे लोगों को कि इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे तो लाइफ झींगा लाला हो जाएगी एकदम, मतलब मस्त मज़ा आ जाएगा, तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ कि इस 10% के डिस्काउंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप महंगा खरीद लाते हो, लेकिन यहाँ फीस पहले ही से कम है और उसमें भी 10% का डिस्काउंट। देखो जैसे 8,800 रुपये की फीस है, उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाए तो 880 रुपये छूट जाएंगे कि नहीं? तो हमारे जो बालक हैं उनका पान गुटका बीड़ी जो भी होना है वो हो जाएगा, है कि नहीं है? जो हमारी बालिकाएं उनका सौंदर्यीकरण का खर्चा निकल जाएगा। तो मैं ये बताता रहता हूँ, तो इसमें भी आप पैसे बचा ही सकते हैं, आपका फायदा ही होगा, ठीक है ना? चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं हम लोग। एक बार कमेंट में कर दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, और ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ प्रॉपर सब कुछ ठीक है और क्लास को स्टार्ट किया जाए। अटेंडेंस लगाओ फटाफट, फिर क्लास को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? चलो जी, लोगों ने करना शुरू कर दिया, ओके ओके ओके, ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है आप लोगों ने कमेंट कर दिया। आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, और आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, आपको इस इमेज से समझ आ जाएगा कि क्या हम पढ़ेंगे। तो हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था 20 अगस्त को, और उस न्यूज़ आई थी, आर्टिकल क्या एक तरीके का न्यूज़ है, इस न्यूज़ में काफ़ी कुछ हमारे लिए है। कॉपी पेन उठा लो, आज की क्लास में मैं कोई एडिटोरियल डिस्कस नहीं करूँगा, आज की क्लास के अंदर हम फैक्चुअल ज़्यादा कवर करेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह अभी कुछ हो गई हैं लॉन्च, वो वाला डेटा जो ज़रूरी वाला भी है ना, सारा एडिटोरियल से काम नहीं होगा, क्योंकि पेपर वन में बहुत सारे फैक्चुअल आ जाते हैं, तो हमें बाकी नज़र भी रखनी है, एकदम चौकन्ना रहना है गिद्ध की तरीके से, ठीक है? चलो जी, केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो केरला की गवर्नमेंट ने नामत बासाई, क्या है स्कीम का नाम, नामत बासाई प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए? तो ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। किसके लिए लॉन्च की गई है, आप लोग अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रंस, यानी कि ट्राइबल बच्चों के लिए। अब इसकी स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि केरला की गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नामत बासाई प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो भी उनकी मदर टंग के अंतर्गत। किसमें प्रोवाइड की जाएगी बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग कि नामत बासाई, पहले तो आपको ये लिखना है कि नामत बासाई कौन से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कौन सी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो जैसे हम वहाँ भी कमेंट करते थे यहाँ भी करेंगे, तो बच्चे केरला गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और ये नामत बासाई जो है उसके अंतर्गत बच्चों को मदर टंग में क्या करेंगे, सिखाएंगे। आप सभी लोगों को, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर किसी को उसकी अपनी खुद की मदर टंग में सिखाया जाए बच्चों को, तो उनके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसा कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसमें भी पांचवीं तक के बच्चों के लिए ये कहा गया था कि अगर वहाँ के स्कूल्स या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहे तो बच्चों को किस में पढ़ा सकता है, उनकी मदर टंग में पढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई मराठी रीजन में रहता है तो उन्हें मराठी रीजन में पढ़ाया जा सकता है, मराठी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। कोई तमिलनाडु में रहता है तो उनकी अपनी साउथ की लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, कोई हिंदी भाषी में रहता है तो हिंदी में पढ़ा सकते हैं। तो जो एक इंग्लिश का बैरियर बनता जा रहा था उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन उसका मास लेवल पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, कहा कि बच्चों को इससे बहुत सारी परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए कोई यूपी के अंदर रहता है और उसको स्विच करना पड़ जाए, कहां पर, तो कहां पर स्विच करना पड़ जाए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के स्कूलों में पता चलता है मराठी में पढ़ा रहे होंगे, तो फिर बच्चों को वहां पर एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ट्राइबल एरिया के साथ थोड़ी अलग कंडीशन है। पहले ट्राइब्स तो हम ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में जुड़े ही नहीं है, है कि नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं ट्राइबल्स क्या हैं, तो हम ये कहेंगे कि मेन स्ट्रीम में जुड़े ही नहीं है, यानी कि हमारी मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं है। हमारी सोसाइटी और ट्राइबल्स अलग अलग ही चलते हैं, वो अलग ही अपना सिस्टम बनाए हैं, हम लोग अलग ही अपना सिस्टम बनाए हैं। तो ट्राइबल बच्चों को पहले हमें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। तो मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे, तो उनको एजुकेट करिए। एजुकेट करने का सबसे अच्छा, यानी कि लर्निंग के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी बताते हैं लोग, तो उन्होंने कहा अगर उनकी मदर टंग में पढ़ाओगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो नामत बासाई जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को उनकी रीजन, यानी उनकी जो मदर टंग है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए इनिशिएट लिया गया है। ये जो प्रोग्राम है ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, याद रखना, समग्र शिक्षा केरला, ये इनके पास पहले से जैसे सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है,
पूरे इनिशिएटिव उसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये चलता है। उसी तरीके से केरला गवर्नमेंट ने भी अपना एक अलग से प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, समग्र शिक्षा केरला। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्री जो हम लोग समझते हैं ना प्ले ग्रुप वगैरह, तो प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक की जो एजुकेशन होगी उसके अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने और खासकर एजुकेशनल जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, एक तो क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम करना है, दूसरा हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हमारे यहाँ देखो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस चलते हैं, बहुत सारा सिस्टम है, जैसे कास्टिसिज्म चलता है, फिर सोशल चलता है, फिर रिलीजन चलता है, फिर लैंग्वेज बैरियर चलते हैं। तो क्या आप बताओ कि नॉर्मल अगर बिना किसी प्रकार की सरकार की कोई स्कीम चले तो क्या उन बच्चों को कनेक्ट किया जा सकता है स्कूलों में? तो ट्राइब्स के बच्चे तो हमेशा हीन भावना से भरे रहेंगे, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो उन पर स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। तो इसीलिए समग्र शिक्षा केरला जो है हर बच्चे को इक्वालिटी के साथ राइट प्रोवाइड करेगा कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्या जी जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो ये जो समग्र शिक्षा केरला ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है, ये केरला गवर्नमेंट की तरफ से चला है कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हर किसी को इक्वालिटी के साथ राइट मिलेगा कि वो स्कूल्स में जाके क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, नमत बसाई केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, यानी कि उनकी मातृभाषाओं में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ट्राइब्स की क्या अपनी लैंग्वेजेस होती हैं? ट्राइब्स का अपना कल्चर होता है, अपनी सिविलाइजेशन होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, इसीलिए वो हमारे मेन स्ट्रीम में फिट नहीं हो पाते कई दफा। तो हमें क्या है, उनको कनेक्ट करना है। तो इन्होंने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ट्राइबल बच्चों के लिए एक सेशन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। कैसी ऑनलाइन, क्योंकि अभी आज के टाइम में तो पूरा इंडिया लॉकडाउन में है, तो ऐसे में एजुकेशन क्या है, सब ठंडे बस्ते में। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो पता चलता है जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो तो कहीं ना कहीं से एजुकेशन ले लेंगे, ट्राइबल बच्चे कैसे लेंगे? तो ट्राइबल बच्चों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। तो सरकार ने क्या व्यवस्था की कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे और उन ऑनलाइन क्लासेस को उनकी मदर टंग में डिलीवर किया जाएगा। इससे क्या होगा, क्या हमें ये देखने कि जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब एरिया से कोई बच्चा आता है, अगर उसको एजुकेशन लेने में परेशानी हो रही है, आप खुद से बताओ, अगर उसको एजुकेशन लेने में परेशानी होगी तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, यानी कि स्कूल छोड़ देगा? देन आंसर इज बिल्कुल छोड़ देगा। ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ट्राइब्स के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए केरला की गवर्नमेंट ने उनकी मदर टंग में उन्हें सिखाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट, ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया है। इससे क्या होगा कि जो 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 भी यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए जो ट्राइब्स के बच्चे हैं वो अब ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, अब ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत प्री रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर डाली गई हैं, ठीक है ना। और वो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस तीन, अभी बेसिकली इन्होंने तीन जो ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं उसको काउंटर किया, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए उनको लॉन्च किया है। वो तीन ट्राइब कम्युनिटी कौन सी हैं, एक तो इरुला, अब ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो चुका है, एक इरुला, दूसरा कौन सा है, मुडुका, कौन सा है, मुडुका, तीसरा कौन सा है, कुरुम्बा ट्राइब्स। यानी कि ये तीनों ट्राइब्स, अगर आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से ऐसे भी तो बन सकता है, इरला, मुडका और कुरुम्बा ट्राइब्स जो हैं वो कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्राइब्स ना केरला में पाई जाती हैं जी। रिसेंटली इट इज़ इन न्यूज़ में है, तो यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इनकी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है कि नहीं है, जैसे इरुला की हो सकती है, मुडका की, कुरुम्बा की अपनी खुद की लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। तो इनकी लैंग्वेजेस में इनको पढ़ाया जा रहा है, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्टार्ट की जा रही हैं, क्लासेस किन किन लैंग्वेजेस में है, देन हम कहेंगे एक तो उर्ली, कौन सी लैंग्वेज है, उर्ली, दूसरी कौन सी है, मुथुवन, कौन सी है, मुथुवन, ये इनके लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी मराठी, इसी तरीके से इनकी अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज है। इसके बाद पनिया, देयर आर थ्री लैंग्वेजेस,
इन तीन लैंग्वेजेस के अंदर यहां पर क्या करेंगे, ये लोग नॉलेज को डिलीवर करने का काम करेंगे, यानी कि क्लासेस इन तीन ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं, उरली, मुथुवन एंड पनिया, ठीक है ना, उरली, मुथुवन एंड पनिया, इन एरियाज के अंदर ट्राइबल्स के बच्चों को क्या करेंगे, बेसिकली इन तीन लैंग्वेजेस के अंदर इन तीन ट्राइब्स के बच्चों को क्या दिया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम इनकी मदर टंग में किया जाएगा, जिसके लिए नामत बसाई नाम के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए केरला के अंदर कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वायनाड। कौन सा रीजन है? वायनाड। वायनाड के अंदर केरला में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने। हालांकि इतना गहरा सवाल बनने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए, ये कुरुम्बा ट्राइब्स या ये जो ट्राइब्स तीन मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले तो क्या पूछेंगे कि कुरुम्बा ट्राइब कहां मिलते हैं, तो आप कहना कि कुरुम्बा ट्राइब्स हमें पाई जाएंगे केरला के अंदर। कहां पर? केरला में। कुरुम्बा ट्राइब को बेसिकली तीन अलग अलग नामों से भी बुलाया जा सकता है। क्या बुलाया जा सकता है? एक तो माला पुलन्यास, क्या बुला सकते हैं? माला पुलायंस बुला सकते हैं। दूसरा हिल पुलायंस बुला सकते हैं। और तीसरा पम्बा पुलायंस भी बुलाते हैं। यानी कि कुरुम्बा ट्राइब है, इट इज ऑल्सो नोन एज माला पुलायंस, हिल पुलायंस एंड पम्बा पुलायंस, ठीक है। ये तीनों तरीके के पुलायंस को इनको क्या कहा जाता है? कुरुम्बा ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। इनका बेसिक पर्पस, ये कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इनका मेन काम है कल्टीवेशन करना, यानी कि खेती करना। साथ ही साथ जंगलों से ये बहुत सारा हनी कलेक्ट कर लेते हैं, वैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, टर्मरिक, जिंजर, कार्डमम, ऐसी चीजें भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहां सर कहां पाए जाते हैं? केरला के अंदर। बेटा मैंने भी बताया ये केरला में है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम भी एक, इनके पास जो आर्ट है, बॉडी को टैटू करने की आर्ट है। आप देखते होंगे पुराने जमाने में कई सारी महिलाओं के टैटू होता है, पुरुषों के टैटू होता है, तो टैटू करने में भी ये कलाकार है कि नहीं? आज के टाइम पर आपको दो टैटू बना के आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, तो तुमसे ज्यादा कलाकार पड़े हुए हैं केरल में। साथ ही साथ ये लोग, इनके पास एक और हुनर है, एक और स्किल है। क्या स्किल है? कि बास्केट बनाना, इसके साथ साथ मैट्स, यानी कि जो बास्केट और मैट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का भी टैलेंट इनके पास है। देखो साहिल बेटा, अब तुमने ये लिखा यहाँ पर, अब पढ़ाई करो, अब कौन आया कौन नहीं आया, मैं किसी के घर थोड़ी चला जाऊँगा लेने, हैं? उसमें लिख रहा है कि एकता नहीं आई, तो हमें क्या पता एकता क्यों नहीं आई? अब ये तो तुम पूछो क्यों नहीं आई, हम कैसे इस बात को जानेंगे? बेटा फोकस है कि नहीं है? जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। बाकी के लोग तो आए, इनसे तब तक बतिया लो अगर बतियाना है तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी से बतिया लूं, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बतिया लो, ठीक है। इनके भैया रिस्पांस दे दियो अगर कोई किसी से कुछ पूछे। ये साहिल नाम है ना इनका? हाँ साहिल बेटा, किसी से कुछ पूछना पूछ लो, बहुत सारी दीदी लोग आई हैं यहाँ पे, वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे देंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी सिस्टर की, हाँ ये बहन जी मुझे ये बता दीजिए आप, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई इनको हो सकता है कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता देना, सभी बहनें बता देंगी हमारी। आ जाओ, दूसरे ट्राइब्स कौन से हैं? चलो दूसरे ट्राइब कौन से हैं, तो दूसरा ट्राइब है इरुला ट्राइब, ठीक है ना, इरुला ट्राइब जिनके लिए ये लॉन्च हुआ। इरुला क्या है? तो इरुला इज ऑल्सो नोन एज द इरुलर। इरुलर को हम, इरुला को भी हम इरुलर के नाम से भी जानते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो एग्रीकल्चर करते हैं, ये धान की खेती करते हैं, रागी, ढाल, पलस्टीन, इस तरीके की चिली वगैरह भी, और फिर इसके अलावा टर्मरिक, ये सब भी खेती करते हैं। और बेसिकली ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, और हिंदू रिलीजन को फॉलो करने के साथ साथ ये विष्णु भगवान की पूजा भी करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारे कहाँ पाए जा रहे हैं? केरला में पाए जा रहे हैं, याद रखियो सारे लोग, ठीक है। चलो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और कौन सा है, तो मुदुग्रस। मुदुग्रस इज ऑल्सो नोन एज मुडुका। ये इनके आप दूसरे वाले नाम भी याद रखना कि इन ट्राइब्स को दूसरे क्या नाम है, ठीक है ना, दूसरे वाले नाम भी हैं, तो अब याद रखेंगे मुडुका, ठीक है। अब मुडुका क्या है? अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से प्लेस पर पा रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूं उनके, डोंट वरी। तो मुडुका और मुडुग्रस ये दोनों सेम नाम है। इनका क्या काम है? तो कहते हैं इनका ऑक्यूपेशन है फूड कलेक्ट करना, यानी फूड वगैरह गैदर करना, और हंटरिंग, यानी कि शिकारी हैं, ये सब शिकार कर देते हैं, हिंदुइज्म को ये फॉलो करते हैं। और बेटा याद रखेंगे कि लॉर्ड शिव, यानी कि भगवान शिव की ये पूजा करते हैं।
अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हाँ इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं तो आप लोग लिख लेंगे इडुकी रीजन में पाए जाते हैं। कौन सा रीजन है, कौन सा क्षेत्र है, इडुकी रीजन है। कौन सा, वायनाड के बाद सबसे ज्यादा ट्राइब्स यही मिलेंगे आपको, तो इडुकी रीजन में ये पाए जाते हैं। आप लोग लिख लीजिए जिनको भी लिखना है। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है तो एक बार सारे लोग यस कर दीजिए कि हाँ ऑल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। किसी ने लिखा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, लिख लिया उडुकी रीजन, बहुत बढ़िया। जैसे वायनाड के अंदर मैक्सिमम नंबर्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि केरला की गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंतर्गत वो मदर टंग में बच्चों को पढ़ाएंगे, जल्दी से बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, केरला गवर्नमेंट। केरला कैसी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैं? बड़े छिछोरे हो गए हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता चल पा रहा अभी तक। ये कह रहा कि केरला स्टेट, तो हाँ स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, ऐसी बातें मत लिखो। हाँ मैं यहीं रोने लगूं, पता चलता है, बता रहा हूँ मैं, 400 बार चिल्ला चुका हूँ कि केरला केरला, उसके बाद ही लिख रहा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, बम मार दूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ नेक्स्ट। कहते हैं कि जी आपको ये दिख रहे होंगे, हमें भी दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इन्होंने क्या किया है, तो भैया एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का क्या नाम है, तो आप कहेंगे हरित पाथ। क्या नाम है बेटा, हरित पाथ ऐप है, याद रखेंगे। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे, क्या सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे, क्या हमने देखा है मैक्सिमम कई दफा कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज डेवलप किए जाते हैं। अब वो हाईवेज के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं या बीच में जो बैरियर होता है उस पर डिवाइडर होता है उसके ऊपर पेड़ लगाए जाते हैं और उनके ऊपर जो पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों से फिर वो ग्रीनरी वगैरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल ये जो डेवलपमेंट ऑफ जो नेशनल हाईवेज है वो कौन करता है, तो आपको सबको पता होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐप डेवलप किया है। क्या किया है, ऐप डेवलप किया है। उस ऐप का क्या नाम है, हरित पाथ। क्या नाम है, हरित पाथ। अब देखो क्या हाईवे, अब हाईवे कैसे बनते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि पेड़ वगैरह काटने पड़ते होंगे, तो पेड़ वगैरह काटने पड़ते होंगे तो हमारा इकोसिस्टम तो बहुत खराब कर देते होंगे ये लोग, तो क्या जो पेड़ काटे उनको वापस लगाया भी जाए, तो आप एक तो जो ग्रीनरी है तो डिवाइडर अगर बीच में चाहता चौड़ा है तो उस पर लगाइए, अदरवाइज रोड के साइड साइड में लगाइए, है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारी जो सरकार है और सरकार ने जिनको ये काम सौंपा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो वो लोग क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ जो हाईवे बनाएंगे वो ग्रीन हाईवेज बनाएंगे। ग्रीन हाईवे का मतलब ये नहीं कि सड़क हरे रंग से पोत देंगे, ना, ग्रीन हाईवे का मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे सड़क पे नहीं, सड़क के किनारे और सेंटर में जहां पर, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा है जी, आप कह रहे हैं कि अभी लगाए जाएंगे, लगाए तो बहुत सालों से जा रहे हैं, लेकिन आपने ये भी तो देखा है कि कई बारी सड़कों पर हम देखते हैं कि जी वो जो ग्रीन वगैरह पौधे वगैरह लगे होते हैं उनको सूख जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कोई उनको देख रेख करने वाला नहीं है, तो फिर ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, ये पेड़ लगाने का भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता होगा, सरकार खुद तो नहीं लगाती होगी, इसका टेंडर लगा निकालती होगी और इसके अंतर्गत किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती होगी, तो यानी कि लार्ज नंबर पर पैसा भी खर्च करते होंगे, तो इसका रख रखाव ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से इसका कोई बेनिफिट भी सरकार को नहीं मिलता। अब सरकार ने हरित पाथ ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप के क्या बेनिफिट्स हैं आप वो देखिए। कहते हैं कि ये ऐप क्या करेगा, मॉनिटर करेगा एक तो लोकेशंस की कि कहां पर कौन से पेड़ लगे हुए हैं, दूसरा उनके ग्रोथ पैटर्न को देखेगा कि ग्रोथ कैसी है, तीसरा उनके स्पेसिस डिटेल्स होंगी कि भाई साहब कहां पर कौन से तरीके का पेड़ लगा, कहां नीम लगा, कहां यूकेलिप्टस लगा, कहां अलग अलग तरीके के अलग अलग हैं। साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से ये मेंटेनेंस एक्टिविटीज भी देख पाएंगे कि ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया उसका कोई, अब जैसे मान लो आप खुद सोचो कि पेड़ लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर दिखा दिया संबंधित अधिकारी को, रिलेटेड जो भी ऑफिसर है उसको दिखा दिया उसने, उसने कहा जी ये पेड़ लगाया हमने, अब पेड़ लगाया ठीक है, देख लिया लोगों ने कि पेड़ लगाया बहुत बढ़िया और उसको पैसे दे दिया, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब जिम्मेदारी पेड़ बने गिर जाए कट जाए उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। अचीव कैसे किया जाएगा, कैसे अचीव करेंगे ना,
तो याद रखना कि उनके अचीवमेंट, उनको टारगेट्स, इन सारी चीजों को के लिए क्या करा जाएगा, एक हरित पाथ ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि देखो, जो भी जिनको भी एक काम सौंपा गया है, जिनको भी एक काम बनाया गया है, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा कि आप ना 3-3 महीने पर फोटोज अपलोड करिए। कितने कितने महीने पर? 3-3 महीने पर। और ये फोटो अपलोड करिए कहां पर? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास एक क्या है, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक समझ लो बैंक है जहां पर वो डेटा को स्टोर करते हैं। और उसका नाम क्या है? डेटा लेक। याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि डेटा लेक क्या है, ऐसे भी कभी पूछ सकते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेटा लेक, डेटा लेक क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता होना चाहिए ना कि डेटा लेक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये, यानी कि यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो यहीं पर 3-3 महीने पर हर फोटो को खींच खींच के डालना पड़ेगा और उससे उनकी ग्रोथ का, उनके पैटर्न का, क्योंकि लाखों लाख पेड़ हो जाएंगे ना, और लाखों क्या करोड़ों पेड़ हो जाएंगे ऐसे करके देश में। तो अब जब करोड़ों पेड़ हो जाएंगे तो उनकी इमेजेस, फोटो, उनका साइज होता है, तो उनके लिए फिर बड़ा साइज मेंटेन करने की बड़ी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मॉनिटर करने के लिए 3-3 महीने पर, अब इससे बताओ क्या इससे सही मॉनिटरिंग हो पाएगी? इसका पर्टिकुलर डिवीजन बना देंगे कि आपके एरिया में आपको निगरानी रखनी, आप डेटा को चेक करेंगे आपके एरिया में, जो सारी चीजें इससे क्या होंगी, निगरानी, मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो पेड़ आपका ग्रीनरी नहीं रह पा रही थी वो रहेगी ग्रीनरी, है कि नहीं है? तो ये एक बड़ी बात यहां पर है। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि रिसेंटली हरित पाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज। इसका एम क्या है? तो कहते हैं कि मॉनिटर, जो पौधे लगे हैं उनकी लोकेशन को मॉनिटर करना, उनकी ग्रोथ पैटर्न को देखना, उनकी स्पेसिस डिटेल्स को देखना, साथ ही साथ मेंटेनेंस एक्टिविटीज को देखना, या इसके बाद कह लें कि टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, ये सब भी इसके अंतर्गत आएगा। मॉनिटर करने के लिए हर कॉन्ट्रैक्टर जिनको भी ये काम सौंपा गया होगा वो 3-3 महीने में एक तरीके से फोटो खींच के डालेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, और ये फोटो NHI के एक डेटा प्लेटफॉर्म पर, एनालिटिक प्लेटफॉर्म पर डाली जाएंगी, और उसे कहा जाता है डेटा लेक प्लेटफॉर्म। एक बार यस करो कि यस बिल्कुल क्लियर बेटा शुभम, ये पौधे लगाने का काम किसी को सौंपा गया होगा तो उसी को इसकी देखभाल करने का काम भी सौंपा जाएगा, तो वो लोग फोटो खींच के इसके डालेंगे। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं कुछ आगे, कुछ और बात करते हैं। इससे क्या होगा आप बताओ, इससे क्या एक अकाउंटेबिलिटी जनरेट होगी? तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, जब इसको काम दिया जाता है कि कोई भी, जैसे आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, या कोई भी चीज है इस तरीके से जिसे कोई काम सौंपा गया, अब वो काम हमारे यहां क्या होता है, रोड बनती है, और रोड बनने के बाद आगे आगे रोड बनती जाती है, पीछे पीछे खराब होती जाती है, या हम ये कह लें कि पैसा जैसे ही पास होता है रोड खराब हो जाएगी। रोड उतने समय के लिए बनेगी जब तक के लिए पैसा पास नहीं होता, ठीक है ना? उसी तरीके से इसमें भी लास्ट नंबर पर धांधली हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनको ये काम सौंपा जाएगा पेड़ पौधे लगाने का, अब वो अकाउंटेबल रहेंगे कि भैया एक तो चीज ये है कि प्लांटेशन जो उन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो पेड़ नहीं चल रहा है तो उसको वो रिप्लेस करें, अगर वो पेड़ वहां पर नहीं है तो नया पेड़ लगाएं। कई बार पेड़ उखाड़ देंगे, कोई गाय खा जाएगा, कोई कुछ कर देगा, वैसे खा जाएंगे, कोई ऐसे मजे मजे में चलते चलते हाथ मार देते हो ना, तुम लोग भी मारते होगे स्कूल से आते आते, कुछ दिखा नहीं तो पता चलता ये मार देला, तो ये काम भी हो सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे में उस जो प्रॉपर जो पर्सन है उसको ये अपनी वहां पर अपलोडिंग करनी पड़ेगी, वापस से फिर से लगाना पड़ेगा पेड़ को, है कि नहीं है? पौधे फिर से लगाएगा वो। चलिए, इसको लिंक किया जाएगा पेमेंट के सिस्टम से, ठीक है ना? पेमेंट के सिस्टम से लिंक किया जाएगा। तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस एंड जो ग्रोथ है उसको नोटिस किया जा सकता है हरित पाथ ऐप के माध्यम से। जैसे आपने जो जितने भी पेड़ लगाए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने जितने भी पेड़ लगाए, और उसमें से कितने पेड़ चल रहे हैं, कितने ठीक देखभाल हो रही, कितने की ठीक नहीं हो रही, उससे इनको पेमेंट करने में भी क्या होगी, आसानी होगी, उसके कार्यों का क्या कर सकेंगे, इवैल्यूएशन कर सकेंगे।
तो जिसको भी काम सौंपा है उसके काम में दम है कि नहीं है, इसका इवैल्यूएशन किया जा सकेगा हरित पाथ ऐप के माध्यम से। अगर मेरी बात आप समझ चुके हैं तो स्टेटमेंट को यस कर दीजिए, अगर नहीं समझे तो नो लिखो और निकल लो। हाँ चलो, आगे एक चीज और आपको मैं बताता हूं कि केवल यही नहीं रुक रहे हैं ये, इन्होंने एक काम और किया है। क्या काम किया है कि हरित भारत संकल्प, एक ये संकल्प भी लिया था। कब से कब तक? तो इन्होंने एक संकल्प लिया था बेटा, कब से कब तक, तो कहना कि 21 जुलाई से इसको स्टार्ट किया और 21 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़। तो जो पेड़ है, प्लांट्स हैं, उनको, इनका प्लांटेशन किया। हरित भारत संकल्प, आपसे पूछा जाए कि ये किसका इनिशिएटिव था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टैस मार के लिख लीजिए आगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव था। और इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत 21 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 25 लाख प्लांटेशंस का प्लांटेशन किए गए, यानी कि 25 लाख पौधे लगाए गए हाईवे के साइड साइड या हाईवे के डिवाइडर्स पर, यानी कि इतना बड़ा ये है। तो आप खुद से सोचो कि ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो आप कहेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे हरित भारत संकल्प क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, किससे रिलेटेड है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये एग्जाम में आएगा तो आप मुझे याद करेंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो एक बार यस करते हुए आगे चलेंगे, और यस कर दीजिए तो मजा आ जाएगा, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है नितिन गडकरी साहब कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, नहीं पता है तो ये पता करिए, ये तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्रोग्राम, देखो जी अब नया पढ़ लेते हैं क्या है। ऐप तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है बेटा, ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलो याद रखेंगे, ऐप तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसको डाउनलोड करके यूज करिए, फोटो वगैरह वहां पर अपलोड कर सकते हैं आप, अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते हैं और वहां पर जियो मैपिंग की गई होगी, आप फोटो खींच के डालेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी फोटो कहाँ की है। जैसे दिल्ली सरकार ने भी कचरे की सफाई के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, तो आप बस फोटो खींच के दे दीजिए, वहां पर वो जियो मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ का कचरा है। बाद में वो सब आएंगे केजरीवाल झाड़ू वाड़ू लेके, उनके पास तो परमानेंट रहती है, बस तुरंत उठाया साफ कर दिया, रातों रात एकदम लंदन बना देंगे वो। आ जाओ नया, नई न्यूज पढ़ लेते हैं। न्यूज कब की है? 27 अगस्त की, परसों की है जी। ये न्यूज भी कहां पब्लिश हुई थी बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्रमोट द वर्ली पेंटिंग्स ऑन इट्स वॉल। ये क्या बला है, ये भी सुन लीजिए। वर्ली पेंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जो प्रमोशन किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक बात है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो क्या है, एक प्रकार की सरकारी कंपनी है। अब ये कहाँ है, तो बेटा ये नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में है, ठीक है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट लीडिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि सबसे मास लेबर पर प्रोडक्शन, जो यूरिया वगैरह सुनते हो ना वो इन्हीं की देन है, यही लोग बनाते, सरकारी कंपनी है ये। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, आपको ये सुनना है कि इन्होंने क्या किया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप याद रखेंगे, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, जैसे ये आपको एक फोटो दिख रही है, ये एंट्रेंस है किसका, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, यानी कि यहां पर फर्टिलाइजर्स बनते हैं। लेकिन इसकी दीवारों पर आप कुछ रंगीनी देख रहे होंगे, कुछ कलाकारी देख रहे होंगे, उस कलाकारी का अंदाजा लगाइए, पेड़ पौधा गोला मछली ये सब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो भैया ये जो चीजें देख रहे हो यही हमारे काम की चीज है।
क्या है इसमें, तो आ जाओ मैं आपको पढ़ा देता हूं। बेटा यही जो पेंटिंग है दीवाल पर, जो बाहर बाहर पेंटिंग की गई है, दिस इज कॉल्ड वॉर्ली पेंटिंग। इसको हम वॉर्ली पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वॉर्ली पेंटिंग। ये कौन सी पेंटिंग है बच्चा? वॉर्ली पेंटिंग है। आ जाओ जी, ये चर्चा में क्यों आ गई है? तो कहते हैं कि जी एक सरकारी कंपनी है। कंपनी कौन सी है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, इंडिया की लीडिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने अपनी दीवारों पे वॉर्लिंग पेंटिंग के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी दीवारों के बाहरी हिस्से पर वॉर्ली पेंटिंग को बनाया है। क्या बनाया? वॉर्ली पेंटिंग को बनाया। अब आपको ये जानना होगा कि ये वॉर्ली पेंटिंग 5 मिनट से पढ़ा रहे हो, लेकिन है क्या ये चीज? कौन सी चीज है ये? काहे पढ़ाई डाल रहे हो? तो भैया हम आपको वो भी बता देते हैं कि व्हाट इज द वॉर्ली। इज वॉर्ली क्या है? तो आप कहेंगे ये एक प्रकार के आदिवासी हैं। कौन है? जो ये वॉर्ली है, ये वॉर्लिस बोलिए या वॉर्लिस बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। ये एक प्रकार के ट्राइब्स या आदिवासी हैं, ठीक है ना? ये एक प्रकार के ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं। चलो अब ये क्या है? तो कहते हैं ये बेसिकली आपको माउंटेन्स के एरिया में पाए जाएंगे, या तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया में मिलते हैं, ठीक है ना? ये आपसे पूछा जाए कि वॉर्लीस क्या है, तो वॉर्लीस पेंटिंग जो है बेसिकली वॉर्ली ट्राइब्स की है। किसकी है? वॉर्ली ट्राइब्स की है। और ये जो ट्राइब्स हैं, ये बेसिकली आपको माउंटेन्स एरिया के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के कहां पर मिलेंगे? कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। और ये लोग लैंग्वेज भी कौन सी बोलते हैं? तो ये लोग वर्ली लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वर्ली। इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, एक प्रकार की अनरिटन लैंग्वेज है, यानी कि इसकी कोई भी लिपि नहीं है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिटन लिटरेचर नहीं है। इज इट क्लियर? अगर आपको क्लियर हो गया तो मेरे भाइयों जरा इसको क्लियर कर दो कि हाँ, इस इज क्लियर टू मी। यस सर, इतनी बातें हमें क्लियर हो गई, अब हमें पेंटिंग समझाओ क्या है। जल्दी बोलो क्या आपको यह समझ में आ गया है? जल्दी से बोल दीजिए। अच्छा जी, वॉर्ली क्या होते हैं? तो वॉर्ली ट्राइब्स होते हैं। कहां पाए जाते हैं? मेजरली आपको महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल बॉर्डर्स पर मिल जाएंगे। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सर ये बोलते हैं वॉर्ली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वॉर्ली लैंग्वेज बोलते हैं मेरे बच्चे। अब मैंने आपको ये पेंटिंग दिखा दी, पेंटिंग का कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे दूं क्या? यस सर, बिल्कुल दे दीजिए। पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, हमारा भी नाम लो, स्टडी पाठशाला। हाँ भैया पाठशाला जी, नमस्कार आपको बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से अपना नाम दिलवा रहे हैं, भगवान करे आपका हर कोई नाम ले और पूछे वो गए कहाँ जो आते थे, है कि नहीं? जिस जिसका लिए हो वापस कर दो, सब लोग अपने लिस्ट से तुम्हारा नाम काट देंगे, ठीक है? हाँ, वैसे बहुत बढ़िया आप आए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ भगवान तुम्हें हर वो खुशी दे जो तुम चाहते हो, लेकिन बताते नहीं हो किसी को। हमें बहुत पता है कि तुम चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन तुमने सब छुपा रखा है कि नहीं? आ जाओ, चलो। सारे लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, कम ऑन द पॉइंट पर आ जाते हैं। चलो, कहते हैं कि महाराष्ट्र, ये वॉर्ली पेंटिंग के बारे में भी जान लीजिए, अब इतनी बात चलिए तो आप पूरी करेंगे, है कि नहीं? तो कहते हैं कि महाराष्ट्र इज नोन फॉर द इट्स वॉर्ली फॉक पेंटिंग्स। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जो वॉर्ली पेंटिंग्स हैं ये कहां से संबंधित है, तो आप कहना कि महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन से राज्य में देखने को मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका चलन मिलेगा। कहां कहां से मिलेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर महाराष्ट्र से मिलेगा। इनके जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वो 10th century से जुड़ी हुई हैं। और इनके आपको जो डिजाइंस हैं वो आपको कहां देखने को मिल सकते हैं? हिस्ट्री पढ़ने वाले सभी बालक जानते होंगे, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में, यानी कि भीमबेटका की गुफाओं में इनके डिजाइंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इनके डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जो बालक आ गए हैं ना, वो मुझे लाइक कर देंगे अगर वो चाहें। अगर उनको लग रहा है कि ना इनको लाइक करने लायक है तो कर दो, नहीं तो फिर क्या है, मैं आके क्या ही बोलूंगा, है कि नहीं? तुम तो अच्छे अच्छों को लाइक कर दे रहे हो, हमें भी कर दियो, कहा हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये क्या बनाते हैं? तो कहते हैं हंटिंग, शिकार करता हुआ आदमी बना देते हैं ये। अच्छा जी, और क्या? फिशिंग, यानी अच्छा ये इसके क्वालिटीज भी कई बार पेंटिंग से रिलेटेड आपसे बच्चे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है? चलो, कैसे करें आप लाइक? अरे भैया तुम वो पर्सनल वाला लाइक मत रहो, तुम यहाँ टेक्निकल लाइक करो, तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है कि कैसे करें लाइक। हाँ, जो तुम लाइक करते हो उतने ही करो, आगे ना बढ़ो अब। तो इधर देखो, यहाँ पर देखेंगे, फोकस करिए कि
अगर देखे कि इस पेंटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके फीचर्स क्या हैं, तो हंटिंग यानी कि शिकार करता हुआ व्यक्ति दिखेगा आपको, फिशिंग यानी कि मछलियां दिख जाएंगी, मछली पालन दिख जाएगा, फार्मिंग यानी कि खेती करते हुए किसान दिखेंगे, फेस्टिवल्स, डांसेस, ट्रीज, एनिमल, इन सारी चीजों का यूज दिखाई देगा पेंटिंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर दिखाई देगा आपको, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज और याद रखना, क्या याद रखना है जी, कि ये जो पेंटिंग्स हैं वो इस ट्राइब यानी कि जो वर्ल्डली ट्राइब्स हैं इनके, इनमें जो पुरुष हैं, इनमें जो मेल हैं, वो लोग इसको नहीं करते, बल्कि ये मेनली किया जाता है किसके द्वारा, वहां की महिलाओं का काम है, यानी कि जो पेंटिंग करने का काम है वहां की महिलाओं का काम है, वहां की महिलाओं का काम है, ठीक है जी। इसके अलावा इसका यूनिक फीचर क्या है कि जब इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो उनमें किसी मैथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन मैथड्स में क्या है, तो जी जैसे सर्कल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो इन सब का यूज करके वो अपनी डिजाइन को डिजाइन करते हैं, तो इसका इनका अपना एक यूनिक फीचर्स भी है, ठीक है। किसी ने कहा नहाए हुए हो क्या, बेटा मैं तो डेली नहाता हूँ, खुद का देखो बस। मेरी बात आपको समझ आ चुकी है तो एक बार यस कर दीजिए कि यस पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि वॉर्लिंग पेंटिंग्स कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ पाई जाएंगी, इनके सिम्टम्स क्या मिलेंगे और ये कैसी हैं। जल्दी से बोल दो, फटाफट आंसर कर दो कि हाँ जी हमने जितना भी पढ़ा है फटाफट अपनी कॉपी में लिख भी लिया है, आगे चलिए क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। हाँ भाई कमेंट करियो कमेंट, भैया राजू श्रीवास्तव के फैन लागत हो, हाँ सही पकड़े, ऐसा क्या हर कोई उनका फैन है। चलो जी आ जाओ, तो बैक ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं, एक और टॉपिक को कवर करते हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टीचर क्या है जी, देख लीजिए आप, देख लीजिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड टू द टीचर्स 2020। अब अभी ये कहोगे कि नेशनल अवार्ड 2020 क्या है ये, तो नेशनल टीचर अवार्ड दिया जाता है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो टीचर्स पूरे साल में बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ाते हैं, कौन सी टेक्निक से, इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ाते हैं, उन इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ाने वाले यानी कि जो एजुकेशन को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स को यह बात दिया गया है, बहुत सारे में आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 47 टीचर्स को इस बार ये दिया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप याद रखना कि 47 टीचर्स में से ये एक टीचर होंगी जो बेसिकली बिलोंग करेंगी ट्राइबल स्कूल्स से, कहाँ से बिलोंग करेंगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग, यानी कि नेशनल टीचर जो है, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, ये बिलोंग करने वाली हैं किस कम्युनिटी से, तो आप कहेंगे कि ये ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करेंगी। ध्यान रखो अब हमको इसमें कुछ जरूरी बात पढ़नी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो महिला है जिसके बारे में बात चल रही है ये क्यों चल रही है, इसका कारण सुन लीजिए। इसका एक बड़ा कारण है कि सुधा पेनुली, क्या नाम है, सुधा पेनुली, इनको इस बार क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस नेशनल अवार्ड, इस नेशनल अवार्ड के लिए, ठीक है। अब ये सीधा पेनली जी हैं, ये बेसिकली पढ़ाती हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसका सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख लोगे बिल्कुल और बिल्कुल मिल जाएगा, मुझे लगता है 2 से 3 बार आया है। अवार्ड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसकी जगह क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसकी जगह एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्यों इनका इतना बड़ा नाम सा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो भैया इन्होंने ट्राइब्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए। कैसे मेथड, मोस्ट यूनिक फीचर अबाउट हर एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपेडिशंस, तो कहते हैं कि इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के साथ, जैसे इन्होंने एकलव्य बर्थडे गार्डन ये कुछ अपना इन्होंने इनिशिएट लिया होगा, फिर साथ ही साथ थिएटर इन एजुकेशन कुछ बढ़िया कॉमिक करेक्टर वगैरह बना के पढ़ाया होगा, एकलव्य ट्राइबल म्यूजियम इसके लिए भी इन्होंने काम किया,
स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इसके लिए भी काम किया और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। इसके लिए इन्होंने यानी कि ट्राइब्स के बच्चों को कितना एंटरटेन करके कितना कनेक्टिव मेथड से पढ़ाया जा सकता है, कौन से स्कूल में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, एक प्रकार के सरकारी स्कूल होते हैं ये, जैसे आपने जवाहर नवोदय विद्यालय सुने होंगे, केंद्रीय विद्यालय सुने होंगे, उसी तरीके से ट्राइब्स यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड स्कूल हैं, किसकी तरफ से, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। अब ये कब से चलाए जा रहे हैं बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा आज का टॉपिक यही था बेसिकली। वहां पर जो महिला थी उनका नाम आपको नोट कर लेना है कि उनको ये दिया गया है, याद रखें सुधा जी को ये अवार्ड दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड है नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये HRD मिनिस्ट्री देती है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। नवोदय, बिल्कुल नवोदय का अभी टाइम चल रहा है, हाँ मतलब वैसे ही याद रखना, उसी तरीके के ये स्कूल्स होते हैं, बट इट इज फॉर डेडिकेटेड फॉर किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आप खुद से बताओ, मैंने अभी ट्राइब्स की बात की थी, ट्राइबल बच्चों की, अभी मैं थोड़ा फिर से बात करता हूँ, क्या सामान्य स्कूलों के अंदर जो ट्राइबल बच्चे हैं वो आपको कंफर्टेबल फील करते हुए दिखते हैं? देन आंसर इज सर, वहाँ पर उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो आम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सरकार ने उनके लिए एक इनिशिएट शुरू किया कि हम इनके लिए डेडिकेटेड स्कूल बनाएंगे, एजुकेशन देंगे, और एजुकेशन देने के बाद क्या हो, जैसे मान लीजिए ट्राइब्स को से कोई बच्चा आता है तो ट्राइबल कल्चर से आ जाता है वो। अब अगर कोई ट्राइबल कल्चर से हो तो फिर ऐसे में सिचुएशन में क्या होता है कि वो फिर नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर दिक्कत है। लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन अलग अलग है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उनके लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक स्कूल बनाए जाए और उन स्कूल्स में बिल्कुल पढ़ाया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए। अब जब बच्चों को एजुकेट कर दिया जाएगा, मैथ्स का नॉलेज दिया गया, इंग्लिश का नॉलेज दिया गया, साइंस का नॉलेज दिया गया, फिर वो क्या होंगे, फिर वो बच्चे धीरे से कम्पीट कर लेंगे, फिर आपके मेन स्ट्रीम में वो जुड़ जाएंगे, फिर जुड़ना उनके लिए आसान है। तो रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो ये हैं, इन स्कूल्स की शुरुआत 1997-98 में की गई थी, 1997-1997-98 में की गई थी। और ये बेसिकली किसके लिए है, तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स बच्चों को विच आर बिलोंग्स टू द रिमोट एरियाज। देखो अगर कोई ट्राइबल है दिल्ली में रहता है, उसका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर कोई ट्राइब है मुंबई में रहता है, बड़े शहरों में, कानपुर में रहता है, वहां डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी इतनी है, बातचीत होगी इन सबसे, उन सबसे मिलेगा, तो कल्चर अडॉप्ट कर लेगा। अब जैसे रूरल एरिया में कोई रह रहा है तो रूरल एरिया में सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, वो मिल ही अपने लोगों से रहा है तो अपने लोगों का कल्चर सीखेगा। फिर पता चलता है एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत दूर है, तो गांव के अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखना मिलेगा, कई बारी तो अनटचेबिलिटी भी आ जाएगी, है कि नहीं है, कि भाई ये छुआछूत वगैरह, हालांकि भारत के अंदर अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है कि नहीं है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स लेकर आए इनके लिए। अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 1997-98 में लॉन्च किए गए किसके लिए, तो आप कहेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं रिमोट एरियाज के अंदर, उन रिमोट एरियाज के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और खासकर क्वालिफिकेशन, मतलब अच्छी एजुकेशन, और केवल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना, साथ ही साथ इनको प्रोफेशनल एजुकेशन भी देनी है, जिससे कि ये हमारी जो सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जाके एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्राप्त कर सकें, रोजगार उस लायक बनाना है। अभी कोई ट्राइबल बच्चा आ जाए सीधा गांव से उठ के, तो वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो स्कूलिंग एजुकेशन के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि केवल स्कूल का फोकस एकेडमिक एजुकेशन पर नहीं है, बल्कि उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ठीक है। ये सारे स्कूल जो हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक स्कूल में 480 बच्चों की कैपेसिटी होती है, और ये स्कूल 6th से लेकर 12th तक के क्लास के लिए, यानी कि जो रेजिडेंशियल, क्योंकि इससे कम उम्र के बच्चे अगर होंगे, रेजिडेंशियल स्कूल उनके लिए खोले जाएं, तो फिर बच्चे को रखने में दिक्कत है, तो 6वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा यहाँ पर रहता है, 6th to 12th के स्कूल होते हैं, आप याद रखेंगे, क्लास भी याद रखनी है आपको, ठीक है जी। अब क्या है, अच्छा बताओ, इस तरीके के स्कूल चलाने के लिए क्या सरकार को खर्च करना पड़ता होगा? बहुत पैसा लगेगा इसमें, खाना है, किताबें हैं, हैंगे, और ट्राइब्स हैं, बच्चा क्या ही फीस दे पाएगा आपको, तो फीस तो नहीं दे पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में राज्य सरकारों को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा,
तो राज्य सरकारों को बहुत पैसा खर्चा करना है, तो आपने आर्टिकल 275 का पार्ट वन पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया भी गया होगा कि कभी भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क के लिए, विकासात्मक कार्यों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान कर सकता है। अनुदान मतलब ग्रांट्स, लोन नहीं, सहायता, वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंस इज कॉल्ड द ग्रांट्स, उसको कहते हैं, ठीक है ना, ग्रांट्स दे सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकल 275 के क्लॉज 1 का इस्तेमाल करते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को इस प्रकार की जो स्कीम के अंतर्गत जो कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनको चलाने के लिए पैसे देने चाहिए? देन आंसर इज यस, बिल्कुल देने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पैसे देंगे तब कहानी कुछ अलग बनेगी। तो याद रखेंगे ग्रांट्स वगैरह जो है आर्टिकल 275 का क्लॉज वन लिखा भी होगा यहां पर, देखो क्लॉज वन, इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जो इसके माध्यम से वो स्कूल्स को रन करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अब सरकार को स्कूल के नंबर्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए? क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अब और भी ज्यादा स्कूल्स खोले जाएं? तो बिल्कुल खोले जाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब यहां पर याद रखेंगे कि अब ध्यान रखेंगे सारे लोग कि जी ग्रांट दम, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या याद रखना है कि सरकार ने अब नया एक डिसीजन लिया है कि 2022 तक, 2020 तक हर ब्लॉक में, ब्लॉक समझते हैं, गांव के लेवल पर आपको दो तीन गांव मिलाकर एक ब्लॉक दिखाई देगा, एक क्षेत्र दिखाई देगा, दैट इज ब्लॉक। तो हर ब्लॉक के अंदर जहां पर लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि जितनी रीच ज्यादा होगी तभी तो बात बनेगी ना, रीच ही नहीं होगी तो फिर क्या फायदा। तो कहते हैं कि 50% पॉपुलेशन अगर किसी भी ब्लॉक में किसकी है, शेड्यूल ट्राइब्स की है, तो 50% अगर पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की है तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर सरकार क्या ओपन करेगी, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन करेगी, या फिर किसी भी एरिया के अंदर अगर 50% पॉपुलेशन नहीं भी है और पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा लोगों की है, 20,000 से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है यानी कि 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, तो वहां पर भी सरकार कौन से स्कूल्स ओपन करेगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन करेगी। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और पूछा क्या जाएगा तो मुझे लगता है मैं ही पूछ लेता हूँ, दूसरे क्या पूछेंगे, है कि नहीं, तो अपन ही पूछ लेते हैं, खत्म करते हैं बात। तो देखो जी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देखो जी कहते हैं क्वेश्चन, देखो मैं जल्दी से जल्दी पढ़ देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के एक टीचर है जिनका नाम है सुधा पेनुली, ठीक है जी, इनको सेलेक्ट किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर टीचर 2020, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, पहला वाला एकदम सही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है वहां पर, अब स्टेटमेंट यहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रिगार्डिंग देखने की कौन से स्टेटमेंट सही है, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि ये स्कूल 1997 और 1998 में ओपन किए गए थे, और इन स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव है शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि आर्टिकल 275 के अंतर्गत इन स्कूल्स को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपको अभी पढ़ा है आपने। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो 2022 तक ये सोचा गया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, उन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंतर्गत 50% अगर ब्लॉक लेवल पर देखें तो 50% पॉपुलेशन होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स की, और अगर इसके अलावा 20,000 यानी कि अगर 50% पॉपुलेशन नहीं है तो 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए ट्राइबल्स की, तो वहां पर ही इनको ओपन किया जा सकता है। अब बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है, तो आपसे क्या पूछा कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे सही है। तो बताओ जरा फटाफट आंसर दे दो, अगर मैंने मुझसे आपने पढ़ा है तो आंसर दे देना चाहिए, क्यों जी, हरकतें सुधारो, तुम फोटो छप जाएगी तुम्हारी, हाँ ऑल आर करेक्ट डी, बहुत बढ़िया, जोरदार, कतई जहर कर दिया मामला तुमने, हैं, हाँ वाह वाह वाह, आओ जरा अब इतनी ही बात हुई थी
तो एक बात और करेंगे फिर तुमसे लेंगे हम थोड़ी सी विदाई। अगर तुमको याद है कि हमारी और तुम्हारी क्या बात हुई थी, तो मुझे लगता है तुम इसका भी जवाब दे ही दोगे, है कि नहीं है? देखें कितने लोग इसका आंसर देते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ो जल्दी से, स्टेटमेंट पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या आंसर था? केरला वॉज दैट। ओके ग्रेट गाइज, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए WHO की वेबसाइट पर चलते हैं। WHO की वेबसाइट पर हमें क्या मिलेगा? हमें वही मिलेगा जो हम ढूंढना चाहते हैं। पहले तो आपको तीन काम करने हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। एक तो हमें यह बताना है कि WHO इस्टैब्लिश कब हुआ था, दूसरा हमें यह बताना है कि WHO का हेड ऑफिस कहाँ है, तीसरा हमको ये बताना है कि WHO का हेड कौन है स्वराज जो, हाँ, चौथा हमको ये भी बताना है आपको कि WHO से रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने विड्रॉ कर लिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ही अपने आप को WHO से अलग कर लेगी। ठीक है जी, आपको ये बताना है चार ऑप्शन। और WHO के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार तबीयत और से तूफान मचा देगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि WHO के एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किसको अभी हेड चुना गया है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैंने आज या कल में आपको पढ़ाया भी होगा, अगर आपने पढ़ा होगा जल्दी से बताओ। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसके अंदर कौन हेड है? कोई स्विट्जरलैंड लिख रहा, अपने हिसाब से लिख रहे हो क्या है? कहां स्विट्जरलैंड चले जा रहे हो? अच्छा, स्विट्जरलैंड ने विड्रॉ किया हुआ है, हाँ ठीक है, अच्छा US ने विड्रॉ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया। मुझे लगा आपने लिख दिया कि स्विट्जरलैंड में विड्रॉ कर लिए, ओके ठीक है। तो गाइस जो लोग भी आए हैं नहीं WHO का हेड ऑफिस, ठीक है मैं समझ गया भाई, USA ने विड्रॉ किया है, ओके ओके। जरा बताइए मुझे कि मैंने आपको पढ़ाया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, बोलो। हाँ, धारदार हथियार निकाल के सारा खत्म कर देंगे केस। चलो, WHO ने एक और स्टेटमेंट दे दी अभी भैया, क्या स्टेटमेंट है? कह रहे हैं कि अब कोई भी किसी भी तरीके का, देखो किसको पोलियो फ्री नेशन घोषित कर दिया, ये बताओ। पोलियो फ्री इनको घोषित करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं। अफ्रीका को डिक्लेयर कर दिया गया है पोलियो फ्री नेशन, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। पहले तो कंट्री खुद को अपने आप को डिक्लेयर करती है कि हम पोलियो फ्री नेशन है, उसके बाद कई सारे सर्वे वगैरह कंडक्ट करा के ये उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, देखो पहले कंट्री खुद बता देगी कि हाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं है जी, आप हमारे स्टाम्प मार दो, तो फिर स्टाम्प मारने के लिए चेक करेंगे कि हाँ ऐसा है कि खाली फर्जी बोल रही है। जैसे अभी आपने कोरोना की वैक्सीन सुनी थी, WHO ने स्टाम्प नहीं मारा क्योंकि उसको नहीं लग रहा कि ये सही बोल रहे हैं। स्पुतनिक वाली सुनी ना, स्पुतनिक 5 आपने सुना होगा, हाँ, तो उस वैक्सीन के ऊपर स्टाम्प क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसको नहीं ठीक लग रहा। जब WHO का ठप्पा लग जाता है तो थोड़ी चीजें ऑथेंटिक हो जाती हैं और कुछ नहीं है। ये तो डिपेंड करता है, अगर स्पुतनिक 5 पर अगर बाकी की कंट्रीज का भरोसा है तो वो वैसे भी खरीद सकती है, ऐसा नहीं है कि रसिया की वो वैक्सीन खरीदी नहीं जा सकती, जिसको मन करे वो खरीदे, लेकिन ठप्पा लगने के बाद वो ज्यादा लीगल हो जाती, ज्यादा वैलिड हो जाती है। तो कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया गया? तो कहते हैं कि 2016 के बाद से कोई भी नया केस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नया केस आपको पोलियो का नहीं देखने को मिलेगा। जब इतनी बात हुई है तो क्या हमारी कंट्री भी, यानी कि इंडिया, क्या एक पोलियो फ्री नेशन है? अगर इतनी बात अगर आपको पता है तो यस या नो में आंसर कर दीजिए। क्या इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है? अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं, नो, इसमें क्या है जल्दी बता दो, यस या नो आंसर कर दीजिए फटाफट, तेजी से आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके 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 ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यस, तो अब बताओ, जब यस कह दियो तो फंस चुके हो कि कौन से ईयर में इंडिया एक पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर किया गया था, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कौन से ईयर में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था, जल्दी से आंसर कर दीजिए। नहीं है ऐसे मत कहो,
जब बताना पड़ जाए तो ये कौन सी बात है कि नहीं है, गलत बात है। WHO ने इंडिया को डिक्लेयर किया 2014 में, कब डिक्लेयर किया, 2014 से इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है। कौन सी कंट्री है, 2014 से यहाँ पर कैसी है, पोलियो फ्री कंट्री है। ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपीज में लिख लेंगे अभी रिसेंटली कौन है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे सारे लोग। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अब फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी, कल ही मिलने वाले हैं, और कल मिलेंगे फिर से 12 बजे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर सीखा होगा तो लाइक वाइक भी कर देना और सीखते रहो, हमारी तो यही आपसे दुआ है, और हम कोशिश करेंगे कल हम कुछ नए टॉपिक से साथ मिलें। आपको क्लास पढ़ के ठीक लगा होगा तो वो भी मुझे बता देना कि हाँ हमने सीखा है, सही लगा, सही समझ में आया, और कल फिर हम 12 बजे यहीं मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप बढ़िया करेंगे लाइफ में, और बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ओके, बाय 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 बाय।